हेलो फ्रेंड्स, सुमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं, देखिए छोटी वाली मछली। तो देख लीजिए इसे हम अच्छी तरह से, इसकी आंखें, इसका मुंह सब निकाल लेंगे, पूंछ भी निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, हम साफ़ कर लेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। और ये मछली बहुत टेस्टी बनती है। हमने ये आधा किलो मछली ली है और देखिए, आइए दोस्तों हम इसे साफ़ कर लें, फिर हम आपको हमने देखो साफ़ कर ली है मछली। ये देखिए मुंह भी साफ़ कर लिया, पूंछ भी साफ़ कर ली। ये हमने पत्थर में घिस ली है और ये हमने मछली को साफ़ कर ली है बिल्कुल। देख लीजिए अच्छी तरह से हमने धो ली है, ये वॉश कर ली है। अब हम मछली बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई रख दी है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। तो देखिए हमारी, ये हमारा तेल हो गया है और अब ये जो है ये हम फिश इसमें डाल लेंगे। और देखिए ये फिश हमने डाल दी है इसमें और अब इसे हम अच्छी तरह से कड़ंग कर लेंगे ताकि इसके कांटे सब खत्म हो जाए। फिर हम आपको दिखाते हैं, हमारी बिल्कुल फ्राई हो गई है ये मछली। और इसे अभी हमने इसमें से मछली निकाल ली है और अब हमने तेल डाल दिया एक चम्मच। और अब इसमें हम प्याज डालेंगे, ये हमारा तेल हो जाए तो हम प्याज डालेंगे इसमें। तो देखिए हमारा तेल हो गया है, अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। ये एक प्याज काटी है हमने और इस प्याज को हम फ्राई कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारी प्याज हो गई है और अब इसमें हम ये दो टमाटर की हमने ये प्यूरी निकाली थी तो ये दो टमाटर डाल देंगे। और देखिए हम लहसुन अदरक का पेस्ट एक चम्मच हमने ये लिया है और ये भी हम इसमें डाल देंगे। और ये देखिए हमने मसाले लिए हैं, दो चम्मच धनिया पाउडर लिया है, थोड़ी सी हल्दी ली है, एक चम्मच हमने नमक लिया है, एक चम्मच हमने मिर्च ली है। मिर्च और नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। और एक चम्मच हमने ये गरम मसाला लिया है, एक चम्मच है ये हमने भुना ज़ीरा लिया है पिसा हुआ, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। और देखिए दोस्तों थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे हम, हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से अब भून लेंगे। फिर हम आपको देखें कि ये हमारा मसाला भून रहा है और इसमें आधा चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। और ये मसाला हम भून लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों हमारे ये मसाला अच्छी तरह से भून गए हैं, ये देखिए इसमें तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम मछली डाल देंगे जो हमने ये फ्राई करी थी, ये हम डाल देंगे। फिर इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमने मछली इसमें डाल दी है, हमने मिक्स कर लिया है। और देखिए अब आपको डिश आउट करें, हमारी छोटी मछली बनकर तैयार हो गई है। तो आप इस ढंग से बनाइए और बहुत टेस्टी और बहुत यमी बनती है। और आप इसे फ्राई ज़रूर कीजिए क्योंकि फ्राई से जो इसके कांटे हैं वो सब मर जाते हैं, मतलब कांटे कड़ंग हो जाते हैं, जिससे कि आप रोटी से आराम से खा सकते हैं, आपके कांटे फंसेंगे भी नहीं गले में। और तो देखिए दोस्तों इस ढंग से बनाइए, बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी बन जाती है। और आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होते हैं। थैंक यू दोस्तों।